हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधि इजी एंड क्विक खाना चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपको वहाँ बेल बटन दिखेगा उस पर क्लिक करना ज़रूरी है, तभी आपको मेरे कोई भी खाना अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाएगी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिली पनीर। ये बहुत ही इजी है और इसमें कभी भी डीप फ्राई ना करें पनीर को। इसके लिए हम लेंगे पनीर क्यूब्स, दो प्याज लंबे कटे हुए, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और ये मैं ली हूँ आपको सोया सॉस एंड टोमेटो सॉस। कुकर में हम थोड़ा तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, उसके बाद गैस ऑन करेंगे, चेक करेंगे। ये जैसे ही थोड़ा हीट हो जाएगा इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। इसको बस एक दो बार चलाएंगे और इसके लेड बंद कर देंगे। फिर हम वेट करेंगे दो विसल आने की, तब तक हम ये सारे मसालों को मिक्सी में एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें मसाला हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये मैंने सारे मसाले को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है। बस कुकर के दो विसल आएंगे, हम गैस बंद कर देंगे। अब इसके प्रेशर निकल गए हैं, अब मैं देखूंगी प्याज। ये देखिए आप, प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं और थोड़े पक गए हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन और गरम मसाला, इसे पहले हम थोड़ा फ्राई करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। याद रहे हमारे सॉसेस में भी नमक होती है, इसलिए ये अकॉर्डिंग आप टेस्ट ही डालो। और थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। ये हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। जब तक कि मसालों की खुशबू अच्छे से ना आने लगे तब तक इसे हम भूनेंगे। मसाला ऑलमोस्ट हमारा भून चुका है, बस थोड़ी देर और इसे भूनेंगे ताकि इसमें से तेल छोड़ दे। मसालों में से तेल की आवाज़ें आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने सॉस। हमने टोमेटो सॉस एंड सोया सॉस ऐड कर दिया है, अब इसमें ऐड करेंगे पनीर।